हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको आज कोई भी ट्रिक्स या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी बेस आपको वीडियो नहीं बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं या फिर जो नए यूट्यूबर्स हैं जिसने नया ज्वाइन किया है, ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं। ये आप चाहे तो एक जो है कंडीशन समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आप लोगों की जो है आपके यूट्यूब के लिए सेफ्टी की बात है कि कैसे आप अपने जो है यूट्यूब चैनल को सेफ रख सकते हो, अपने जो है अकाउंट को सिक्योर रख सकते हो। और ये वीडियो उसी के बारे में है कि आप जो है थोड़ा अलर्ट रहे, सतर्क रहे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि न्यू अपडेट के बाद कुछ लोगों के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके जो है यूट्यूब चैनल बंद होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे कोई इफ़ेक्ट पड़े, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सभी अलर्ट रहें और अपने जो है यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ कर लें अपनी सेटिंग्स को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अननोन सेटिंग जिसको उस सेटिंग के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज़ उन सेटिंग्स को जो है क्लियरली समझ के ही ओपन करें या फिर क्लियरली समझ के उन चीज़ों को यूज करें। क्योंकि किसी भी गलत सेटिंग्स को आप जो है यूज करोगे और आपका जो है चैनल या तो मोनेटाइजेशन से हट सकता है या फिर आपका जो है चैनल डिलीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और मैं आज आपको एक ऐसा केस बताऊंगा जो हमारे बीच एक बहुत अच्छे यूट्यूबर जिनके 80,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर थे, जो है उनका चैनल अभी हाइड हो चुका है, यूट्यूब ने उनका चैनल हाइड कर दिया है। और ये शायद उनकी एक गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि अभी जो यूट्यूब ने एक अपना नया अपडेशन दिया है कि आप जो है अपने चैनल को आप जो है हाइड कर सकते हो, मीन्स अपनी वीडियोज को हाइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो उस वजह से जो है उनका चैनल जो है परमानेंटली हाइड हो चुका है, क्योंकि जो अभी हम सर्च करते हैं तो उनका चैनल जो है सर्चिंग में नहीं आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, जो मेरा एक फ्रेंड है उनका जो चैनल हाइड हुआ है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ टेक्नोलाइन। तो फ्रेंड्स, इनके जो है अभी 80,000 प्लस जो इनके सब्सक्राइबर थे, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये इनकी वीडियोज़ हैं, और यहाँ पर अभी जो है ये इनकी वीडियोज़ ओनली यहाँ पर शो कर रही है। अगर आप इनके चैनल पे जाके देखते हो, आप इनके चैनल को जो है, तो आपके इनके चैनल पे आपको जो है कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें इनके चैनल की, कैसे क्या हुआ इनका चैनल जो है, क्यों यूट्यूब ने बंद कर दिया। तो आप यहाँ देख दिया था, बट मैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये है मेरे फ्रेंड का चैनल जो अभी यूट्यूब ने यहाँ से हाइड कर दिया है। आप देख सकते हो इनकी वीडियो, सिर्फ ओनली इनकी वीडियोज आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, तो आप इनका चैनल देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस चैनल इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, अनसब्सक्राइब इफ़ यू वुड लाइक टू रिमूव इट। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि इन्होंने कोई ऐसी सेटिंग, जो अब नया अपडेट आया था, इन्होंने जो है अपनी सेटिंग्स को मतलब अपने चैनल को जो है हाइड करने के लिए वो सेटिंग्स ऑन की थी। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अननोन सेटिंग्स जिसके बारे में आपको नहीं पता है, प्लीज़ उन सेटिंग्स को आप जो है बिना किसी जानकारी के आप जो है उनको यूज मत कीजिए, क्योंकि आपका चैनल भी हाइड हो सकता है परमानेंटली या डिलीटेड हो सकती है आपकी सारी वीडियोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी सारी वीडियोज़ यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन इनका जो चैनल है वो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इनका चैनल यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है यूट्यूब के अंदर। आप सिर्फ यहाँ इनकी जो है इनकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आप इनका चैनल जो है नहीं देख सकते यहाँ पे। आपको इनका चैनल, तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सर्च किया है अपने फ्रेंड का जो चैनल, तो आप यहाँ के लिए आप देख सकते हैं इनके 80,000 प्लस जो है इनके सब्सक्राइबर हैं, इनकी 238 वीडियोज़ हैं। और जैसे मैं यहाँ क्लिक करके देख लेता हूँ, तो अभी इनके चैनल पे आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी कंटेंट इनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी 238 वीडियोज़ इन्होंने डाल दी हैं। और यूट्यूब ने भी इनका जो है चैनल प्रोसेस में डाला है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी इस चैनल से। तो इन्होंने जो है अपना दूसरा चैनल यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। मैं बता देता हूँ क्या चैनल है उनका, तो इन्होंने अभी जो अभी अपना जो है दूसरा चैनल यहाँ पर
अपना बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका चैनल है ytmantra, तो मैं थोड़ा सा उनको आपको बारे में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और जो वीडियो है तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने जब अपना नया चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है ytmantra के नाम से। तो अभी इन्होंने दो वीडियो डाली है और इन्होंने बताया है मेरे साथ क्या हुआ है, इन्होंने क्या सेटिंग्स इन्होंने जो है यहाँ पे यूज की है और इनका किस वजह से जो है चैनल यहाँ से डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप यूट्यूब के अंदर कुछ भी आपको जो चीज़ मेन जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या उसका यूज है और कैसे वो यूज किया जाता है, तो बिल्कुल जैसे ही आप बिल्कुल क्लियर हो जाए तभी आप उस जो है सेटिंग्स को यूज करें, तो आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा। जो इन्होंने नुकसान झेला है जो है टेक्नोलाइन ने, 80,000 सब्सक्राइबर, 238 वीडियोज़ और इनकी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से हो रही थी, तो इनकी एक गलती की वजह से जो है इन्होंने अपना चैनल यहाँ से खो दिया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, प्रोसेस में है। तो मैं आप सबसे ये सजेस्ट करूँगा कि इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, इनके चैनल के साथ, इनकी इतनी मेहनत, इनकी 2 साल की मेहनत यहाँ से जो है यूट्यूब ने इनकी वीडियो डिलीट कर दी है। तो आप इनके चैनल को जो है यहाँ से सर्च करके सब्सक्राइब करें, इनकी हेल्प करें, और इनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इनकी हेल्प करोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही है, मैं आपको कुछ इनकी वीडियोज या फिर इनकी जो एपिक्स दिखा देता हूँ, इन्होंने क्या क्या यूज किया है, क्या क्या थंबनेल ये कैसे बनाते थे और इनके जो है सब्सक्राइबर के बारे में। तो बने रहें इनके साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इनकी हेल्प करना ना भूलें। थैंक यू।